नेपाल के केयरटेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर हैरान करते हुए एक बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि योग नेपाल की देन है, योग का जन्म नेपाल में हुआ था। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें, इन गरीब परिवारों का सहारा बने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेपाल के केयरटेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ये कहा कि जब योग शुरू हुआ था तो उस समय भारत था ही नहीं। न्यूज़ एजेंसी एनआई के मुताबिक नेपाल के कार्यवाहक पीएम ओली ने कहा कि मौजूदा भारत अतीत में था ही नहीं, उस समय भारत अलग अलग गुटों में बटा हुआ था। उन्होंने कहा कि उस समय भारत एक महाद्वीप या उपमहाद्वीप जैसा था। ओली ने यह भी दावा किया कि भारतीय एक्सपर्ट इस बारे में तथ्यों को छिपा रहे हैं। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ओली ने भारत के खिलाफ विवादित बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने पिछले साल जुलाई में कहा था कि भगवान राम नेपाली थे और असली अयोध्या राम जन्मभूमि नेपाल में है। उन्होंने कहा कि अयोध्या एक गांव है जो बीरगंज के थोड़ा पश्चिम में स्थित है। भारत में बनाई गई अयोध्या वास्तविक नहीं है। हामीले सीता भारतलाई भारतका राजकुमार रामलाई सीता दिए, भारतका होइन अयोध्याका व्यक्ति। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ। ओली भारत पर नेपाल की संस्कृति अध्याने का आरोप लगाते रहे हैं। गौरतलब है कि सितंबर 27 को साल 2014 में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल की थी। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से पारित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों में से 177 सदस्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।